क्या होगा जब गुजरात और पंजाब भिड़ेंगे, मज़ा तब भी आएगा जब सीआरपीएफ का मुकाबला राजस्थान पुलिस से होगा। आर्मी अपना अलग तेवर, अपना अलग रंग और ढंग दिखाएगी, तो पूरे देश भर के बेहतरीन खिलाड़ी वॉलीबॉल से आपका मन मोह लेंगे। जी हाँ, एक ऐसा आयोजन जो शायद आप में से हर एक के दिल में बड़ी ही बेसब्री से बसा हुआ है। राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिता है कर्णी क्लब के द्वारा हर साल आयोजित की जा रही है, उसका बाहरवा संस्करण 11 जनवरी और 12 जनवरी को खेला जाएगा, इसी प्रांगण में खेला जाएगा। आज तैयारियां तेज़ी से चल रही है और जो टीमों के नाम मैंने आप तक पहुंचाए हैं वो टीमें यहां एक बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते दिखाई देगी, और मज़ा तब और ज़्यादा दुगना हो जाएगा जब वो सारी की सारी टीमें हमारे यहाँ के लोकल स्पॉन्सर्स के माध्यम से आएगी। लोकल उसमें स्पॉन्सर जुड़ेंगे, उनके नाम से टीमें उतरेगी तो थोड़ा और रोमांच बढ़ जाएगा। खचाखच स्टेडियम भरा हुआ दिखेगा, बाहर चाय लगातार चलती रहेगी और मंच पर बड़े महंगे मेहमान जिसमें कि राजसमंद का पूरा प्रशासनिक अमला रहेगा। पहले दिन कई अलग अलग नेताओं के साथ साथ जब दूसरे दिन में हम प्रवेश करेंगे तो उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार दिया कुमारी जी यहाँ आएंगे, उनके साथ राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ इस आयोजन में आकर इस आयोजन की और भी महत्वपूर्ण स्थिति आगे बढ़ाएंगे। तो साथ ही राजसमंद जिले के 4 विधायक, उनके साथ साथ तमाम महंगे मेहमान इस आयोजन का हिस्सा बनेंगे। कुल मिलाकर एक बेहतरीन आयोजन आपका इंतज़ार कर रहा है 11 और 12 जनवरी को। राजसमंद में वॉलीबॉल का रोमांच अपने शीर्ष पर दिखाई देगा। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।